Hello students, this is me Shweta Tripathi. In this video, I am going to talk about ecological pyramid. Ecological pyramid की बात करें student, तो इसे Eltonian pyramid भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Eltonian pyramid. Because this ecological pyramid was given by Charles Elton. किसने दिया था? Charles Elton ने दिया था, जिसकी वजह से हम इसे Eltonian pyramid भी कहते हैं. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इफ़ एग्ज़ाम में आपके इकोलॉजिकल पिरामिड की जगह एल्टोनियन पिरामिड देता है तो दोनों क्या है? सेम है, दोनों एक ही है. अब इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो होता क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें पता चलता है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हुए कंज्यूमर हुए, उनका क्या उसमें कितना अमाउंट में है वो, ठीक है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी संख्या में है वो, उनका बॉडी वेट कितना है यानी कि उनका बायोमास कितना है, और कितनी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है. तो इतनी सारी बातें पता चलती है हमको किसमें? इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड में. फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि इकोलॉजिकल पिरामिड को कहते हैं एल्टोनियन पिरामिड क्योंकि इसको दिया था चार्ल्स एल्टोन ने. ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं और हमें पता चलता है कि किस ट्रॉपिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म हैं, किस ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का कितना वेट है, और डिफरेंट जो ट्रॉपिक लेवल हैं उसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कितने अमाउंट में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है. तो ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड. अब हम चलें देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. तो मेनली थ्री टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, वो हैं आपके पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. कितने होते हैं? तीन होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. तो पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर. पिरामिड ऑफ नंबर, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनके नंबर को काउंट किया जाता है, यानी कि वो कितनी संख्या में प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो. इंडिविजुअल यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लीजिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, तो ग्रासेस हो गए, ठीक है, या उसके ग्रासेस को खाने वाले कंज्यूम करने वाले जो उस पर डियर हो गए, हर्बीवोर हो गए, ठीक है. फिर हर्बीवोर को कंज्यूम करेगा कौन? जो आपके फॉक्स होंगे, लायन होंगे. तो ये क्या हो जाएगा कि नंबर, कितने नंबर है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उसके बारे में पता चलता है पिरामिड ऑफ नंबर में, ठीक है. तो इस पिरामिड ऑफ नंबर में जो पिरामिड बनेगा वो अपराइट भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा. कैसा होगा? अपराइट भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा. आपको इससे क्या याद रखना है? इसमें आप ये याद रखेंगे कि इसमें इंडिविजुअल्स के नंबर को काउंट किया जाता है, ऑर्गेनिज्म के नंबर को काउंट किया जाता है, और इसमें जो पिरामिड बनेगा वो अपराइट और इन्वर्टेड बनेगा. कैसे बनेगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके. तो पिरामिड ऑफ नंबर में हम एग्ज़ाम्पल लेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम का. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है. क्यों अपराइट होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप ग्रासेस देखे होंगे, क्या उनके नंबर को आप काउंट कर पाते हैं? नहीं काउंट कर पाते हैं. आसान नहीं है काउंट करना. तो उनकी संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. और हम जानते ही हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर में इंडिविजुअल्स के नंबर को ही काउंट किया जाता है और उसी बेसिस पे क्या होता है? पिरामिड का फॉर्मेशन होता है. तो बॉटम में सबसे क्या होगा? ग्रासेस होंगे. ग्रासेस की संख्या मान लीजिए, एज्यूम करना है तो आप मान लीजिए कि 100,000 ग्रासेस हैं, ठीक है. कितने हैं? 100,000 हैं, ठीक है. उसके ऊपर उसको कंज्यूम करने वाले डियर हैं, डियर खाएंगे ग्रासेस को, उनकी संख्या आप 500 मान लीजिए, ठीक है. 500 डियर हैं. डियर को कौन खाएगा? डियर को खाएगा फॉक्स, ठीक है. तो फॉक्स की संख्या जो होगी वो मान लीजिए आप 100 मान लीजिए. और इस फॉक्स को कौन खाएगा जब इसकी डेथ होगी? तो इसको खाएगा ईगल, ठीक है.
ईगल, ईगल यानी कि टर्सरी कंज्यूमर। तो पहला क्या है, प्रोड्यूसर। ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे जो डियर हो गया वो क्या हो गया आपका, वो हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फॉक्स हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और ईगल क्या हो जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि नंबर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। बॉटम से लेकर अगर हम टॉप तक जा रहे हैं, बॉटम से हम टॉप तक जा रहे हैं, तो नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक बन रहा है कैसा पिरामिड, ये बन रहा है हमारा अपराइट पिरामिड। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा पिरामिड बनेगा, अपराइट पिरामिड बनेगा। एक एग्जांपल हम इन्वर्टेड इकोसिस्टम का देख लेते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर में कैसे इन्वर्टेड बनेगा। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, ये मैंने ट्री बना दिया। ट्री का संख्या कितना है, बस एक है। कितना ट्री है, बस एक ट्री है। उस पर बहुत सारे बर्ड हैं, ठीक है, ये बर्ड्स हो गए, इनकी संख्या मान लीजिए 100 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक ट्री है और उस पर कितने सारे बर्ड हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं, 100 बर्ड हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका पिरामिड कैसे बनेगा, तो ट्री जो होगा वो नीचे होगा, ठीक है, कम संख्या में है, और इसके ऊपर कितने सारे बर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो उनकी संख्या क्या है, इनक्रीज कर गई ना। तो पिरामिड कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। ये पिरामिड कैसा हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है उसमें इंडिविजुअल्स के नंबर को काउंट किया जाता है, और जो पिरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा, और कुछ केसेस में क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पिरामिड जो है, पिरामिड ऑफ बायोमास, उसको देखते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, मास मतलब होता ही है क्या स्टूडेंट, वेट होता है, कितना भार है, कितना वजन है। तो कितना वेट है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ईच ट्रॉपिक लेवल पर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं किसने, पिरामिड ऑफ बायोमास में, और उसी बेसिस से बनता है इसका जो पिरामिड होता है। तो इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ईच लेवल टेक्स इंटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ बायोमास, ठीक है, प्रोड्यूस बाय ईच ट्रॉपिक लेवल। द पिरामिड ऑफ बायोमास इज़ ऑल्सो अपराइट, ये भी अपराइट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा पिरामिड ऑफ नंबर वो अपराइट था, ठीक है, ये भी अपराइट होता है, लेकिन ये भी कुछ केसेस में इन्वर्टेड होता है। कब कब होता है, ओशन में, ठीक है, ओशन का जो इकोसिस्टम होता है उसमें ये क्या होता है, ये इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, चलिए उसको भी देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ जो बायोमास है उसमें अपराइट कब बनेगा पिरामिड, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमेशा सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये आपको बनाया पिरामिड, तो ग्रासेस की संख्या जैसे कि हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर में बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा होगी तो वेट भी तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ग्रासेस की संख्या हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि 1000 kg है, कितना है, 1000 kg है, 1000 kg है, ठीक है। और उसको कंज्यूम करने वाले डियर जो हैं उनका जो वेट होगा वो कितना होगा, वो आप मान लीजिए कि 100 होगा, ठीक है, 100 kg मान लेते हैं। फिर उसको खाने वाले जो आपके वो होंगे, कौन, आपके जो फॉक्स होंगे वो कितने होंगे, वो मान लीजिए 2-4 होंगे, तो 2-4 होंगे तो कितनी होगा, कितना वेट होगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में जो स्टूडेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, और ओशन इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। क्यों होता है, इन दोनों पिरामिड से मैं आपको समझाती हूँ कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में स्टार्ट किससे होगा, प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर कौन होता है, ग्रासेस होते हैं, तो बॉटम में कौन रहेगा, ग्रासेस होंगे। ग्रासेस नंबर में ज़्यादा हैं तो उनका वेट भी तो बहुत ज़्यादा होगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कितना उनका वेट है, 1000 kg, कितना है, 1000 kg हम एज्यूम कर लेते हैं। उन ग्रासेस को खाने वाले जो वहाँ पे आपके डियर होंगे वो मान लीजिए कितने होंगे, 2-4 डियर होंगे, तो उनका वेट टोटल हो जाएगा 500 kg, ठीक है, वहाँ पे जो डियर होंगे। उन डियर को खाने वाले वहाँ पे जो फॉक्स होंगे वो मान लीजिए 2 हैं, तो उन दोनों का वेट मिला के 100 kg, ठीक है। फिर
फिर उस फॉक्स को खाने वाला जो ईगल होगा वो कितना, 50 kg। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि जो वेट है वो भी क्या होता है, ऊपर की तरफ डिक्रीज होता जा रहा है, उनकी संख्या भी घट रही है और वेट भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो सबसे बॉटम में क्या है आपका, ग्रास है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सबसे बॉटम में क्या है, ग्रास है। तो पिरामिड कैसा बनेगा, पिरामिड आपको दिख ही रहा है कैसा बनता जा रहा है, ऊपर की तरफ वो कम होता जा रहा है वेट, तो आपका अपराइट पिरामिड बन जाता है। वाटर कैसे होता है ओशन इकोसिस्टम में, उसको मैं आपको बता दूँ। तो मान लीजिए स्टूडेंट, ये एक ओशन है, ठीक है। आप जानते हैं कि ओशन में भी कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन के बाद आते हैं जूप्लैंकटन। कौन आता है, जूप्लैंकटन। फिर जूप्लैंकटन को कौन खाता है, स्मॉल फिशेस खाती हैं, ठीक है, स्मॉल फिशेस या जो भी इंसेक्ट हुए वो खाते हैं। उसके बाद बिग फिशेस होती हैं जो स्मॉल फिशेस को खा जाती हैं। तो हम बायोमास की बात कर रहे हैं, तो फाइटोप्लैंकटन नंबर में कम होंगे तो उनकी बॉडी वेट भी क्या होगी, कम होगी। फिर जूप्लैंकटन की बॉडी वेट फाइटोप्लैंकटन से ज़्यादा होगी, फिर जूप्लैंकटन की जो वेट है उससे ज़्यादा किसकी वेट होगी, फिशेस जो होंगी स्मॉल फिशेस की वेट होगी, और फिर बिग फिशेस की वेट होगी। तो आप क्या देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी वेट, क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, इंडिविजुअल्स का बॉडी वेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो हो गया ना ये इन्वर्टेड इकोसिस्टम। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ओशन इकोसिस्टम में जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो बॉडी वेट होता है फाइटोप्लैंकटन का वो बहुत कम होता है। उसके बाद आते हैं जूओप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन से उनका वेट ज़्यादा होता है। फिर आते हैं स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस का वेट जूओप्लैंकटन से अधिक होता है। और आती हैं फिर बड़ी फिशेस, ठीक है, बिग फिशेस आती हैं, उनका वेट छोटी फिशेस से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये हो गया इन्वर्टेड इकोसिस्टम। हम देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ द ओनली टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड विच इज़ ऑलवेज अपराइट। ये एक ऐसा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है, हमेशा सीधा होता है। तो आप बिना किसी डाउट के अगर कहीं क्वेश्चन पूछा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा पिरामिड होता है, इन्वर्टेड होता है या आपका अपराइट होता है, तो आप क्या लगाएंगे, अपराइट होता है, हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है, क्योंकि इसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। कितने परसेंट एनर्जी, तो आप क्या बताएंगे, 10% एनर्जी, ठीक है, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर। और इस प्रिंसिपल को दिया था, इस 10% या हम 10% लॉ कह सकते हैं, इस नियम को, इस प्रिंसिपल को दिया था लिंडमान ने। किसने दिया था, लिंडमान ने दिया था। उन्होंने बताया था कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट होता है। लॉ को देख लेते हैं, 10% लॉ दिया किसने था, रेमंड लिंडमान ने। कब दिया था, 1942 में। होता क्या है, इसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। कितना परसेंट होता है, 10% होता है। अब बात आती है होता कैसे है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने पढ़ा है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जिसमें बॉटम में क्या होता है, ग्रास होता है, उसको खाता है ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, और देन हॉक। यानी कि बॉटम में आपका जो है प्रोड्यूसर है प्लांट, और लास्ट में जो टॉप है, टॉप कंज्यूमर जो है वो क्या है, हॉक है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि प्लांट को खाने के बाद जो ग्रास होपर है उसको कुछ एनर्जी मिलेगी। हम मान लेते हैं कि उसको 10,000 joule एनर्जी मिली। कितनी, 10,000 joule एनर्जी इस ग्रास होपर को मिली प्लांट को खाने के बाद। इस 10,000 joule एनर्जी में इसने 90% डेली रूटीन में, डेली की एक्टिविटी जो इसकी होती है कूदने में इधर उधर, ठीक है, उसमें इसने यूज़ कर लिया। कितना परसेंट, 90%, बचा 10%। तो 10,000 joule का 10% कितना होगा, 1,000, ठीक है, 1,000 joule।
इस 1000 जूल को क्या किया, इसने अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया, इसकी बॉडी में स्टोर हो गया। किसकी बॉडी में? ग्रास होपर की बॉडी में 10% जो था, यानी कि 1000 जूल जो था वो ग्रास होपर की बॉडी में स्टोर हो गया। अब इस ग्रास होपर को जब ये फ्रॉग खा लेगा तो इसकी बॉडी में ये आ जाएगा 1000 जूल एनर्जी। कितनी? 1000 जूल एनर्जी। अब इस 1000 जूल एनर्जी का फ्रॉग क्या करेगा, ये क्या करेगा? वही 90% जिस तरह उसने यूज़ किया था, तो ये भी 90% इसका अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेगा, ठीक है, और 10% इसकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। फिर यही 10% जब इसको स्नेक खाएगा तो मिल जाएगा स्नेक को। तो ऐसे ही ये क्या पूरी साइकिल चलती रहती है, और 10% जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 10% लॉ क्या है।